जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह यात्रा अप्रैल में फिर से शुरू होने जा रही है, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ के पट 6 महीनों के लिए सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें फिर गर्मियों में खोले जाते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के द्वार, केदारनाथ मंदिर के पट 29 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। सर्दियों में भगवान केदार की पूजा उखीमंड के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है और एक निश्चित तिथि को केदारनाथ के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिसे गर्मियों में फिर से मुहूर्त देखकर ही खोला जाता है। और इस वर्ष केदारनाथ मंदिर के दरवाजे 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खोले जाएंगे और उसी के बाद में आप सभी श्रद्धालु भोलेनाथ शिव के ज्योतिर्लिंग केदार बाबा के दर्शन कर पाएंगे। 26 अप्रैल को फूलों से सजाकर भगवान भोलेनाथ शिव की प्रतिमा को उखीमंड से रवाना किया जाएगा। पालकी को अपने कंधों पर रखकर श्रद्धालु फाटा और गोरीकुंड होते हुए 28 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेंगे और 29 अप्रैल की सुबह 6:10 पर मेष लग्न में सभी वैदिक मंत्र उच्चार के साथ मंदिर के पट आप सभी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। चलिए अब आपको केदारनाथ धाम की कुछ अपडेट भी बता देते हैं। अभी हाल ही में केदारनाथ में कुछ बदलाव किए गए हैं। केदारनाथ धाम में मंदिर के ठीक आगे 39 मीटर चौड़े गोल चबूतरे का निर्माण करवाया गया है। तो अब यहाँ इस चबूतरे पर खड़े होकर आप केदारपुरी का शानदार सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। वैसे ये चबूतरा पहले भी था जिसकी लंबाई 18 मीटर ही थी, जिसे बढ़ाकर अब डबल कर दिया गया है। 39 मीटर इसका लंबाई इसकी कर दी गई है और अब आप ज़्यादा संख्या में, लगभग दुगनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर नज़ारे को देख सकते हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, तो 29 अप्रैल से आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर आने वाले हैं कि आप कैसे उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, क्या तरीका है, कैसे आप बुकिंग करा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और क्या टूर पैकेज रहेगा। सारी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट हमें ज़रूर छोड़िए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। छोटी सी सूचना का वीडियो था, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।